नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है काम की बात में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही निर्धारित है, या कहें कि सब कुछ पहले से ही हो चुका है। आज जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि अभी आप कुछ और कर सकते थे, ये सब पहले से ही निर्धारित था कि आप इस दिन और इस समय ऐसा ही करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो आपके ऊपर है कि आप ये देखेंगे या नहीं, और वही होगा जो आप चाहते हैं। आप चाहे तो अभी इसे देखना बंद कर दें। तो मैं बता दूं कि आप चाहें जो भी करें वो ऐसे ही होना था जैसे हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। हम सब सिर्फ पहले से बनाए एक रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि ये दुनिया एक सिनेमा का पर्दा है जिस पर एक पिक्चर चल रही है। पिक्चर में जो कुछ भी होना है वो पहले से ही निर्धारित है। आप उस पिक्चर को ना आगे कर सकते हैं ना पीछे, ये समान रफ्तार से आगे ही चलेगी। आपको उसका हर सीन एकदम नया लगेगा क्योंकि उस पिक्चर का कोई ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि आप ना सिर्फ उस पिक्चर को देख रहे हैं बल्कि उस पिक्चर को जी भी रहे हैं। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि सारे सीन पहले से ही स्पेस रूपी रील पर मौजूद हैं और टाइम रूपी प्रोजेक्टर उसे चला रहा है। इसी को ही माया कहा गया है। कहने का मतलब है कि आपका भविष्य भी उतना ही यथार्थ है जितना आपका बीता हुआ कल। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आपका देखा हुआ है और एक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई नया भविष्य रचने वाले हैं। भूत और भविष्य सब इसी ब्रह्मांड या स्पेस में हर पल मौजूद है, पर समय आपको वर्तमान में बांधे हुआ है और अपने निर्धारित गति से आपको आगे बढ़ा रहा है। समय समय पर कुछ इंसान ऐसे आते रहे हैं जिन्हें समय के इस प्रोजेक्टर को फॉरवर्ड करके भविष्य देखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता आते रहे हैं जो लोग घटना से काफी पहले ही ये बता चुके होते हैं कि ये घटना होने वाली है। जिन दो लोगों को आप बखूबी जानते होंगे वो है नास्त्रदमस और बाबा वांगा, जिनकी सालों पहले की गई भविष्यवाणियां आज के दौर में सच हो रही हैं। ये भविष्यवाणियां कुछ और नहीं बल्कि भविष्य की वो झलक है जो उन्हें मिल जाया करती थी, वो भविष्य जो पहले से ही निर्धारित और मौजूद है। इंटरनेट भी ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां लोगों ने इस बात को खुद स्वीकारा है कि उन्होंने कई बार अपने भविष्य को पहले ही सपने में देख लिया था या उन्हें उसका आभास हो गया था। इसे प्री रिकॉग्निशन कहा जाता है। और इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर अपने सपनों में भविष्य को पहले ही देख लेते हैं। उन्हें भविष्य की हल्की झलक अपने सपनों में ही मिल जाती है। अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित ना होता तो क्या उसकी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती थी? इससे ये तो साबित होता है कि हमारा भविष्य वैसा अनिश्चित नहीं है जैसा हमें लगता है। अब इन सब बातों से एक प्रश्न उठता है, क्या टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन है? अगर टाइम ट्रेवल की बात करें तो नासा भी इससे इनकार नहीं करता। नासा कहता है कि समय यात्रा बिल्कुल संभव है, हालांकि वो अभी मनुष्य की पहुंच से बाहर है। जहां विज्ञान ने अब इसे साबित कर दिया है कि गति द्वारा समय को धीमा या तेज किया जा सकता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टाइम ट्रेवल संभव है। वैसे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ऐसी कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी जो यकीन दिलाती हैं कि लोग टाइम ट्रेवल करके भविष्य से भी इस समय में आते रहे हैं। हालांकि उन तस्वीरों की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं कर सकता, पर आज मनुष्य के पास इतने पर्याप्त और ठोस सबूत हैं कि वो ये जानता है कि समय यात्रा करना संभव है। तो इसका अर्थ है कि इस समय के साथ एक समानांतर भविष्य भी मौजूद है। हिंदू धर्म में इसका उल्लेख और भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। अगर हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो भी हमें ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनमें भविष्यवाणी की बात कही गई है। जैसे इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि श्री कृष्ण कंस का वध करेंगे। रामायण में ये बात पहले से ही निर्धारित थी कि भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में आएंगे या अहिल्या को तारेंगे। ऐसा ही एक उल्लेख तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बखूबी किया गया है, जिसमें वो समझा रहे हैं कि जो कुछ भी होना है वो पहले से ही निर्धारित है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात होना वही है जो श्री राम ने पहले से ही रचा हुआ है। भला कौन तर्क वितर्क करके अपनी सोच को बढ़ा या उसकी विस्तार कर सकता है? इस वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
तो दोस्तों आपको ये रोचक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम अब ऐसे ही रोचक वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर बद नमस्कार।